एवरीवन, अनहार्ट में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन का नाश्ता, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसकी सारी चीज़ें हमारे पास घर में हमेशा होती हैं, जैसे बेसन है, नमक मिर्च मसाले होते ही हैं। अगर कोई अचानक आपके यहाँ से आ जाता है तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया ये बन के तैयार होता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेसन का नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 चम्मच अजवाइन कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच राई, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, नमक और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। सबसे पहले हम 2 कप बेसन एक बाउल में डालेंगे। ये 2 कप बेसन मैंने डाला है इसमें। प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता को हम चॉप कर लेंगे। मैं इसे चॉपर में चॉप करूंगी। ये हमारा चॉप हो गया है, प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसे अब हम बेसन में ऐड करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया, अजवाइन, 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 गरम मसाला। इसमें हमें 1 कप में 1.25 कप पानी डालना है। एक कप पानी मैंने पहले डाला था, 1 कप पानी और 2 कप। तीन कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। गुठली नहीं पड़नी चाहिए इसमें। इस तरह का घोल ये हमें चाहिए, एकदम पतला। गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जैसे कढ़ाई गर्म हो रही है, हम एक थाली को ग्रीस कर लेंगे। ये बेसन का जो हमने बैटर बनाया था उसको हम डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। प्याज इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए गाढ़ा हो गया है। जब तक ये बेसन कढ़ाई नहीं छोड़ देता हमें इसको चलाते रहना है।
इसे हमें बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें गांठे पड़ जाएंगे। ये देखिए अब ये कढ़ाई छोड़ने लगा है बेसन। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट में जमा लेंगे। इसे हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब मैंने कढ़ाई को दोबारा से गैस पे चढ़ाया है और इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और 1 चम्मच अजवाइन। ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें जो हमने ये स्लाइस काटे थे उसको हम डालेंगे। मैंने बर्फी शेप में काटे हैं, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, छोटे बड़े भी काट सकते हैं। देखिए 2 कप बेसन में हमारे कितने सारे बनके तैयार हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमने अंदर भी डाला हो, थोड़ी सी मिर्चें, चाट मसाला, गरम मसाला। आप चाहें तो चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। इसको हमें धीरे धीरे चलाना है। और अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये हमें इस तरह ब्राउन होने तक सेकने हैं, इनको बड़े आराम से पलटने हैं। अगर आप जमाने के बाद अगर आप थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, और ये ब्राउन हो गया है। अब ये इस तरह से हमें सेकना है अच्छे से, पलट पलट के। बेसन का बढ़िया नाश्ता हमारा बनके तैयार है। देखिए कितनी जल्दी बन गया है। इसे हम हरे धनिया से गार्निश कर देंगे, हरी चटनी या सॉस के साथ हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये बना है।